सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है पत्ता गोभी, इसे मैं एक ब्लेंडर जार में डाल के इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ। मैं इसे इसलिए ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों का जो मंचूरियन बॉल्स है फ्राई करने के बाद भी कच्चा रह जाता है। देखिए इतना इतना ही इसे ब्लेंड करना है, इसे ज़्यादा नहीं करना है। अब मैं इसमें से पानी इस तरह से स्क्वीज़ करके निकाल लूँगी। आप चाहे तो बाद में ये जो पानी है ग्रेवी बनाने में यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से सारे बना लेंगे। ये देखिए मैंने सबका पानी निकाल लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। डालेंगे कैरेट यानी कि गाजर, और ये प्याज मैंने लिया है यानी कि ऑनियंस। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इन्हें अब अच्छे से मिक्स कर ले। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मैदा 2 बड़े चम्मच और कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर भी मैं 2 बड़े चम्मच ले रही हूँ। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर ले। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर यानी रेड चिली पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम इसके जो है बॉल्स बना लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में ले ले और इसे इस तरह से बॉल्स बना ले छोटे छोटे। बन गए हैं सारे बॉल्स। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। मैंने यहाँ पे तेल रखा है गर्म होने के लिए। जैसे ही तेल गर्म हो जाए मैं इसमें एक एक करके हमारे सारे बॉल्स फ्राई कर लूँगी। सही से गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद मैं इसे इस तरह से पलट दूँगी और दूसरे साइड से भी अच्छे से पका लूँगी। अच्छा कलर आने के बाद मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। अगली प्रोसेस की ओर। लेके एक पैन, पैन में मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल और ऐड करूँगी अदरक और लहसुन यानी कि जिंजर गार्लिक। इन दोनों चीज़ों को डाल के हल्का सा फ्राई कर ले। करूँगी लंबे कटे हुए ऑनियंस यानी कि प्याज। ऐड करेंगे गोभी और शिमला मिर्च। और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक मिक्स कर ले। अब मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच सेजवान चटनी, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, 1 बड़े चम्मच विनेगर और 1 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले। अब लेके एक बाउल, बाउल में मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर और ये जो हमने गोभी का स्क्वीज करके रखा था पानी वो इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर ले। याद रखें इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए। और मैं इसे ऐड कर दूँगी। डालेंगे थोड़ा और पानी, ये वही गोभी का पानी है जो हमने स्क्वीज करके रखा था गोभी से। इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले। थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले। अब मैं इसमें डालूंगी हमने जो फ्राई करके रखे थे मंचूरियन बॉल्स, उसे इसमें ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स होने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी स्प्रिंग ऑनियंस। ये रेडी है, गैस का फ्लेम ऑफ कर दे। इसी तरह से हमारा ड्राई गोभी मंचूरियन रेडी है। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।